हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ग्लैम पार्टी मेकअप लुक। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन को प्रेप कर लेना है, प्रेप के बाद प्राइमर यूज़ कर लेना है। तो प्राइमर अप्लाई कर लिया था मैंने ऑफ स्क्रीन, एंड देन फाउंडेशन के लिए मैंने यूज़ किया था जेड एम की फाउंडेशन। ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है। ब्रश के हेल्प से स्प्रेड कर लिया एंड नेक एरिया पर भी स्प्रेड कर लिया था। ये फाउंडेशन थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी है तो ब्लेंड करने में थोड़ा मुश्किल, बट अगर आप स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप कर लिया तो ब्लेंड करना बहुत आसान है। देन एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया। देन कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया था मेबिलिन एज रिवाइंड कंसीलर। ये फुल कवरेज कंसीलर है। ये कंसीलर से डार्क सर्कल भी हाइड हो जाते हैं एंड आई एरिया को भी हाईलाइट कर देते हैं। देन मैंने यूज़ किया था स्टेक वर्क की क्रीमी कॉन्ट्रोल स्टिक चिन एरिया और फोर एरिया और नोज को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए, और ये सबको ब्लेंड कर लिया था ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। देन मैंने क्रीम ब्लश के लिए यूज़ किया था डी लैंसी की लिपस्टिक पैलेट में से ऑरेंज कलर की एक शेड, एंड सब कुछ को ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मैंने यूज़ किया था ट्रांसलेशन पाउडर, वो है इनसाइड कॉस्मेटिक्स से ट्रांसलेशन पाउडर। आई के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल आई मेकअप रखने की कोशिश की। तो सबसे पहले मैंने एक ब्राउन काजल यूज़ किया। एक्चुअली मेरे पास कोई ब्राउन काजल नहीं था तो मैंने यूज़ किया था मी ऑन की आईब्रो पेंसिल। बहुत ही अच्छा पिगमेंट है, आप लोग खुद भी देख सकते हो। एंड देन उसके बाद क्लीन एक ब्रश के मदद से उसको ब्लेंड कर लिया कि ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। देन डार्क ब्राउन की आई शेडो लेके काजल के ऊपर हल्के हाथों से ब्लेंड कर लिया। ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने यूज़ किया था पीच पिंक कलर की एक शेड, फुल आईलिड पे ब्लेंड कर लूँगी। काजल के लिए मैंने यूज़ किया था एल ए कलर की वाइट पेंसिल, ये वो भी बहुत अच्छा आई पेंसिल है, आप लोग खुद भी देख सकते हो। और उसके बाद मैंने लोअर लैश में भी सेम आई शेड यूज़ किया था डार्क ब्राउन, एंड देन ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने यूज़ किया था पीच पिंक कलर की एक आई शेडो। मस्कारा के लिए मैंने यूज़ किया था माई ग्लम की मस्कारा, अपर लैस एंड लोअर लैस दोनों जगह पे मैंने यूज़ कर लिया। आप लोग चाहे तो फॉल्स लैसेज भी लगा सकते हो। फुल मेकअप बेस को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया था फेसेस कनाडा की मेकअप फिक्सर स्प्रे, ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आते हैं। हाइलाइटर के लिए मुझे चाहिए था एक लिक्विड सटल हाइलाइटर, तो मैंने यूज़ किया सुज ब्यूटी की रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर। ये एक इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है बट आप हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। देन लिप लाइनर के लिए मैंने यूज़ किया था सुज ब्यूटी की लिप लाइनर, शेड नंबर है डार्क ब्राउन, एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया था डी लैंसी की लिपस्टिक पैलेट। देन आई के इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइट कर लिया था। और यहाँ पर ख़त्म होता है मेरी ये लुक। आप लोगों को कैसे लगा कॉमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहना। बाय बाय, टेक केयर।